नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने वाइंडिंग अप तक पढ़ लिया था, यानी हम कंपनी का वाइंडिंग अप को पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर, यानी प्रावधिक समापक को हटाना, यानी समापक को हटाना। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी समापक को हटाया जा सकता है। पहला, प्रावधिक समापक या कंपनी समापक को हटाना। कंपनी ट्रिब्यूनल उचित कारण होने एवं लिखित रूप में कारण दिखाने पर प्रावधिक समापक या समापक जैसी भी स्थिति हो, यानी जो भी हो, को कंपनी के समापक के पद से निम्न में से किसी भी आधार पर हटा सकती है, हटाया जा सकता है। पहला, दुर्व्यवहार। दूसरा, धोखा या गलत विवरण। तीसरा, पेशेवर अयोग्यता, या कंपनी अपनी शक्तियों के सदुपयोग एवं अपने कार्यों को उचित ढंग से संपन्न करने में असफल होने पर, यानी अगर किसी भी तरीके से पेशेवर अयोग्यता है, यानी उसने फॉल्स स्टेटमेंट देकर के कंपनी समापक की नियुक्ति करवा ली, फिर भी उसमें कुछ अयोग्यताएं हैं, तो उनको क्या करेंगे हम लोग, तब हम क्या करेंगे कंपनी को, तब हम उस व्यक्ति को कंपनी समापक से हटा देंगे। चौथा, समापक या प्रावधिक समापक के द्वारा कार्य करने में अयोग्यता पाए जाने पर, यानी अगर कार्य करने में किसी भी तरीके से समापक अयोग्यता दर्ज कराता है तो क्या करेंगे हम उसको, यानी जो ट्रिब्यूनल होगी उसको हटा देगी। हितों में विरोधाभास या नियुक्ति की शर्त के दौरान स्वतंत्रता का अभाव होने पर जो उसे हटाने के लिए पर्याप्त हो, जब ये सब कारण होंगे तब क्या करेगी ट्रिब्यूनल कंपनी के समापक को जो समापन के लिए नियुक्त किया गया था उसको अच्छे तरीके से हटा सकती है। समापक के कार्यों का हस्तांतरण, मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या प्रावधिक समापक को हटाने की दशा में ट्रिब्यूनल कंपनी समापक को दिए गए कार्य को दूसरे कंपनी समापक को लिखित कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद हस्तांतरित कर सकता है। यानी अगर कंपनी का जो समापक है वो मर जाता है या फिर वो त्यागपत्र दे देता है किसी कारणवश, या फिर उसको हम लोग हटा देते हैं उसकी गलतियों के चलते, दुर्व्यवहार के चलते, तब हम क्या करेंगे लिखित कारणों के जो भी चीज़ें होंगी उनको रिकॉर्ड करते हुए एक नए कंपनी समापक की नियुक्ति करेगी। तीसरा, समापक से हर्जाना या हानि की वसूली। जहां पर ट्रिब्यूनल की ऐसी राय हो कि कोई भी समापक कंपनी की हानि या हर्जाने के लिए उत्तरदायी है, जो धोखे या गलत विवरण या पर्याप्त देखभाल न करने और अपनी शक्तियों एवं कार्यों को सही ढंग से पूरा न करने के कारण हो, तो ट्रिब्यूनल ऐसी स्थिति हानि या जुर्माने की पूर्ति समापक के द्वारा करेगी और ऐसे आदेश पारित करेगी या करेगा जिसे वह उचित समझता हो। यानी अगर किसी भी तरीके से कंपनी के समापक ने धोखाधड़ी की है तो जितना भी हर्जाना हुआ है सारा का सारा उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा, उस हर्जाने की राशि देनी पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो आदेश पारित कर सकती है कि आप क्या करिए, जितनी भी आपकी वजह से कंपनी को हानियाँ हुई हैं उन सारी हानियों का पैसा पे करिए। चौथा, प्रावधिक समापक को सुनवाई का उचित अवसर देना। ट्रिब्यूनल इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने से पूर्व प्रावधिक समापक को या कंपनी समापक को जैसी भी स्थिति हो सुनवाई का एक अवसर अवश्य प्रदान करेगा। यानी कंपनी समापक को किसी गलती में पकड़ लिया गया है तो उसे हटाने या उस पर जुर्माना लगाने से पूर्व ट्रिब्यूनल उसको एक अवसर देगा कि आप अपनी बात रखिए। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये कंपनी के वाइंडिंग अप का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हमने पूरे की पूरी कंपनी लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और भी जो प्रश्न छूट गए हों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके वीडियोस जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। और मेरी नज़र में भी जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको मैं वन बाई वन करके डालता रहूँगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।